के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद के 8 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न। 8 खंडों पर भाजपा व सहयोगी दलों का कब्जा। 2018 से अब तक पकड़ी गई करोड़ों की शराब को वाराणसी पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र में किया नष्ट। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे अन्नपूर्णा मठ के महंत रामेश्वरपुरी का निधन। काशी में दौड़ी शोक की लहर। और चांदपुर क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट में लगी आग, लाखों की क्षति। और अब खबरें विस्तार से। जनपद के 8 विकास खंडों पर बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा हो गया है। जनपद के 8 विकास खंडों पर बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा हो गया है। 4 ब्लॉकों पर कल ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था, जिसमें सेवापुरी से ऋण कुमारी, चोलापुर ब्लॉक से लक्ष्मी देवी, आराजी लाइन से नगीना देवी और हरवा से विनोद उपाध्याय थे, जिन्हें शुक्रवार को ही राइफल क्लब में प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। शनिवार को बड़ा गांव पिंडरा चिरई गांव व काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हेतु काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख के मतदान हेतु SDCP वरुणा जोन, विनय कुमार, ACP मुख्यालय ज्ञान प्रकाश राय एवं प्रशिक्षु IPS ACP कैंट अभिमन्यु मांगलिक, थाना प्रभारी मड़वाड़ी परशुराम त्रिपाठी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ब्लॉक के आसपास पुलिस संदिग्ध लोगों पर निगाह बनाए हुए है और ब्लॉक परिसर में सभी का परिचय पत्र या ID कार्ड ही देखकर प्रवेश दिया जा रहा था। 3 बजे तक चले मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया और थोड़े समय बाद ही रुझान आना प्रारंभ हो गया, जिसमें काशी विद्यापीठ से रेणु पटेल विजयी हुई। उन्हें 116 पड़े मतों में से 88 मत मिले, जबकि रीता यादव को 16 मत मिला। इस तरह रेणु पटेल 72 मतों से विजयी रही। इसी तरह चिरई गांव विकास खंड से अभिषेक सिंह, बीजेपी बड़ा गांव विकास खंड से नूतन सिंह, अपना दल व पिंडरा विकास खंड से धर्मेंद्र विश्वकर्मा बीजेपी विजयी रहे। इस दौरान सभी ब्लॉकों पर विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में भारी उत्साह रहा। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी महाराज का आज 3:30 बजे के करीब निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से काशी में शोक की लहर दौड़ गई। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी ने शनिवार को महमूरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। महंत रामेश्वरपुरी जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। महंत जी के निधन की जानकारी होते ही संत समाज, काशी के अखाड़ों और काशी वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। महंत जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मंदिर लाया गया है, जहां से रविवार की सुबह उनकी अंतिम यात्रा मंदिर से ही निकलेगी। गौरतलब है कि हरिद्वार कुंभ स्नान के दौरान वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद वो इलाज के लिए नई दिल्ली गए थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो लखनऊ के मेदांता में अपना इलाज करा रहे थे। इसके बाद ठीक होकर वह अन्नपूर्णा मंदिर में निवास कर रहे थे कि इसी बीच 11 जून को दोबारा उनकी सेहत खराब होने की वजह से मेदांता लखनऊ ले जाकर दोबारा भर्ती कराना पड़ा था। उपमहंत शंकरपुरी के मुताबिक विगत 10 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद शुक्रवार की रात उन्हें मेदांता से लाकर बनारस स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार की दोपहर 3:30 बजे उन्होंने मां भगवती का नाम लेते हुए शरीर का त्याग कर दिया। भारी मन से अपने गार्जियन और अन्नपूर्णा मंदिर मठ के महंत, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी जी के गोलोकवासी होने पर बहुत ही दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा विश्वनाथ से निवेदन करते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत, जो हजारों हजारों लोगों को प्रतिदिन अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते थे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। बता दें कि 2004 में तत्कालीन महंत त्रिभुवनपुरी के निधन के बाद रामेश्वरपुरी को 17 अक्टूबर 2004 में
महानिर्वाण के अखाड़े से संबंधित श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर की महंती दी गई थी। उनके नेतृत्व में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट निरंतर समाज सेवा क्षेत्र में विस्तार पा रहा था। उनके महंत बनने के समय अन्न क्षेत्र के रूप में ट्रस्ट का सिर्फ एक प्रकल्प संचालित था, आज शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, वृद्धजन सेवा समेत तमाम कार्य किए जा रहे हैं। मेदांता में भर्ती के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने फोन कर हाल जाना था। हमारे देश और हमारे काशी के लिए काफ़ी दुखद समाचार है कि हमारे काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र के महंत अन्नपूर्णा मंदिर के ट्रस्टी आदरणीय श्री रामेश्वर पुरी जी का निधन हो गया है। और इस दुख की घड़ी में हमारा सिटी परिवार हमेशा उनके साथ है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। और अन्नपूर्णा मंदिर के ट्रस्ट के बाकी और सारे लोगों के लिए जो भी हम लोगों की तरफ से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये हमारे काशी के लिए और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जो कि कभी भी इसकी कमी पूरी नहीं हो सकेगी। श्री पुरी जी बहुत ही साधु स्वभाव के थे और काशी क्षेत्र में वो अन्न का कई ऐसा वो स्थान चलाते थे जहाँ भूखों को भोजन मिलता था और बटकों की पढ़ाई के लिए उनके रहने और खाने की व्यवस्था करते थे, जो कि समाज के लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण था। और हम एक बार फिर से उनके लिए नमन करते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा। कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी पुलिस ने पिछले दिनों कई थानों से बरामद करीब 2,65,00,000 की शराब को रामनगर थाना क्षेत्र में नष्ट किया। कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी पुलिस ने पिछले दिनों कई थाना क्षेत्रों से बरामद 2,65,00,000 की शराब को रामनगर थाना क्षेत्र में नष्ट किया। इस दौरान शराब की बोतल पर पुलिस का बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नष्ट किया गया शराब 2018 से अब तक पकड़ा गया था, जिससे शनिवार की शाम 4 बजे ACP कोतवाली के नेतृत्व में रामनगर के दुर्गा मंदिर के समीप नष्ट किया गया। रामनगर के अंतर्गत जो है वर्ष 2018 से लेकर के अब तक जो भी अंग्रेजी शराब और साथ में उसके अवैध जो शराब पकड़ी गई थी 37 मुकदमों की है और लगभग इसकी कीमत 2,65,00,000 रुपए है। यह न्यायालय का आदेश इसमें प्राप्त किया गया और न्यायालय ने विधिपूर्वक इसको निर्धारित करने का आदेश दिया। इसके बाबत एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में ACM 5 और एक्साइज ऑफिसर प्लस ACP जो हमारे कोतवाली हैं, ये तीनों लोगों की कमेटी थी। इन्होंने बाकायदे विधिपूर्वक यहाँ पर इसके विनिश्चीकरण की कार्रवाई की है। इस विनिश्चीकरण की कार्रवाई में आप जो देख रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो माल है, जो न्यायालय का आदेश है, उसका अनुपालन 100% किया जाए। इसी 100% अनुपालन के मद्देनजर ही यहाँ पर पूरी तरह से आप कार्रवाई आपको दिख रही होगी जो की जा रही है। वाराणसी के मड़वड़ी थाना अंतर्गत चांदपुर इलाके में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वाराणसी के मड़वाड़ी थाना अंतर्गत चांदपुर इलाके में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बड़ी आग लग गई। इसके गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। ये गोदाम परचून का बताया जा रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि पलक झपकते ही सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस आग में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, पर लाखों का माल जरूर जलकर खाक में तब्दील हो गया है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त उछला है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के परिवार के साथ कबीरचौरा अस्पताल में दुर्व्यवहार किया गया। कबीरचौरा अस्पताल में एक बार फिर से दुर्व्यवस्था का आलम दिखा, जब भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के शागिर्द व भतीजे दामाद भी अली अब्बास खां को बीमारी हालत में बिस्मिल्ला खां की नतनी जूही फातिमा खां लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो ऐसे शख्सियत को घंटों परेशान किया गया। न तो दवा मिला, न ही बेड मिला। ऐसे में परिवार विक्षिप्त हालत में वहीं गेट पर बैठ गया। जब उन्होंने पत्रकारों को देखा तो अपनी आप बीती सुनाई। ऐसे में जब पत्रकार उनकी बात सुनने लगे और भीड़ एकत्रित होने लगी, तब अस्पताल प्रशासन जागा और उनको भर्ती कराया गया। उनकी नतनी जूही फातिमा खां व परिवार के सदस्य जावेद खां ने बताया कि जब ऐसी शख्सियत के साथ ये हाल है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। बहुत झेल रहे हैं हम लोग, उनको डॉक्टर ने कहा भी हम लोगों ने पर्चा उर्चा सब बनवाया मगर हम लोग को बेड नहीं मिल रही है। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या रखिए, हम लोग को बेड वेड मिले उनको थोड़ा बहुत, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हुआ है इनको? इनको जॉन्डिस हो गया है। वहाँ यहाँ एडमिट करने के लिए पर्चा हमको बना कर दे दिया गया और फिर 7 नंबर से 1 नंबर, 1 नंबर से 3 नंबर, ये किया जा रहा है। हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, वो आप लोग ने पहचान लिया, आप लोगों ने पहचान लिया तो अब ये समझ में आया कि मतलब जो है ये भर्ती करना चाह रहे हैं। काफ़ी देर से आए, बहुत देर से आए हैं। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। यहाँ क्या स्थिति आप देखिए ना, क्या है? देखिए, जब हम लोगों के साथ ये है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के दामाद बैठे हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आम लोगों की मतलब क्या सुनवाई है? बाबा नागनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को जिला मंडलीय अस्पताल में मरीजों व असहायों को फल वितरण किया गया। बाबा नागनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को जिला मंडलीय अस्पताल में मरीजों को एवं असहाय लोगों को फल वितरण किया गया। साथ ही बाबा विश्वनाथ बाबा काल भैरव से प्रार्थना किया गया कि इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर सबकी रक्षा करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित समाज सेवी अमन कबीर, गोपी यादव, प्रशांत मिश्र, अधिवक्ता निहाल तिवारी, रोहित अविनाश आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल मिश्र काशी ने किया। बाबा जी की पुण्यतिथि थी, 7वीं पुण्यतिथि, इसके अवसर पर असहाय जो लोग हैं और जो मरीज हैं जिनकी सेवा में कोई नहीं रहता है, हम लोग अपने संस्था की तरफ से सभी लोगों को फल वितरण किया गया है। फल वितरण में क्या क्या किए, कितने लोग किए मरीज? फल में हम लोगों ने आम और केला जो है किया है, लगभग अभी तक में 25 से 30 लोगों को हम लोगों ने फल वितरण किया है। क्या मैसेज दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि इस महामारी को देखते हुए बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी को दूर करें और सभी लोगों की रक्षा करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक ऑटोमोबाइल रिसर्च टीम एवरेरा ने शेलिको मैराथन 2021 में पहला स्थान प्राप्त कर संस्था सहित देश का नाम रोशन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक ऑटोमोबाइल्स रिसर्च टीम एवरेरा ने शेल इको मैराथन 2021 में पहला स्थान प्राप्त कर संस्थान सहित देश का नाम रोशन किया है। टीम एवरेरा दुनिया भर के 50 देशों की 235 टीमों के बीच शेल इको मैराथन ग्लोबल लीग 2021 सीजन में पहला स्थान हासिल किया। इस सफलता पर शेल टीम ने एवरेरा को $8,250 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने प्रतियोगिता में बड़ी सफलता और देश को गौरवान्वित करने के लिए टीम को बधाई दी। टीम एवरेरा के मेंटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमितेश कुमार ने बताया कि शेल इको मैराथन विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अनुसंधान, विकास, रचनात्मकता और तकनीकी कौशल में छात्र टीमों का परीक्षण करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। ग्लोबल लीग के तहत शेल ने पूरे वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। टीम एवरेरा ने वर्चुअल तकनीकी निरीक्षण में भी पहला स्थान हासिल किया है, जिससे ये साबित हुआ कि उसका शहरी अवधारणा वाहन ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के अनुरूप है। इसके अलावा ऑटोमोनस प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में टीम के शानदार प्रदर्शन और व्हीकल डिजाइन इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्रैक्टिस और ड्राइवर सेफ्टी के लिए वर्चुअल ऑफ ट्रैक अवार्ड्स ने टीम को वर्चुअल लीग टेबल में पहली वैश्विक स्थिति हासिल करने में मदद की।
टीम द्वारा विकसित वाहन कार्बन फाइबर बॉडी के साथ अत्यधिक वायु गतिकीय, एग्रोनॉमिक और कुशल है, जो चालक की सुरक्षा की गारंटी के लिए उच्च शक्ति से वजन अनुपात के बाद बेहद हल्का बनाता है। टीम ने वाहन के वजन को कम करने और उसकी सीमा बढ़ाने के लिए अपने वाहन मोटर और बैटरी सिमुलेशन के कुशल निर्माण को शामिल किया। जैसे कि भारत ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, इसमें टीम की प्रगति को भी रोक दिया है। इन कठिन समयों के बावजूद टीम ने दुरुस्त रूप से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने काम का पुनर्गठन किया और शहरी अवधारणा वाहन शिवाय 1.0 को अत्यंत सटीकता के साथ विकसित किया। टीम एवरेरा के मेंटर डॉक्टर अमितेश कुमार ने बताया कि टीम एवरेरा अब गतिशीलता के भविष्य के लिए सक्रिय रूप से योजना बना रही है और उसने एक स्वतः वाहन विकसित करने का निर्णय लिया है। उसमें वो लोग बहुत कुछ देखे, जैसे एक कैटेगरी था वर्चुअल इंस्पेक्शन राउंड, दूसरा था ऑफ ट्रैक अवार्ड, उसमें तीन कैटेगरी था, व्हीकल सेफ्टी कैटेगरी, व्हीकल डिज़ाइन कैटेगरी एंड सिमुलेट टू इनोवेट कैटेगरी। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमारे टीम बहुत अच्छा परफॉर्म की। व्हीकल सेफ्टी कैटेगरी और सिमुलेट टू इनोवेट कैटेगरी में हमारा फर्स्ट आया और व्हीकल डिज़ाइन कैटेगरी में हम लोग रनर अप रहे। वर्चुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन में हम लोग फर्स्ट आए। तो ओवरऑल ये जो पूरा कंपटीशन चला वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था और ये कल लास्ट हुआ उसका फाइनल रिजल्ट। तो ओवरऑल आवर टीम स्टूड फर्स्ट। उसका हम लोग फिर फ्यूचर जो प्लान हम लोग जो कर रहे हैं अभी, फ्यूचर में हम लोग का प्लान है, एक्चुअली हमारा प्लान है कि हमारा ऑटोनोमस व्हीकल बनाएंगे जो कि रोड पे चलेगा और वो इंडस्ट्री लेवल 4 को मीट करेगा स्टैंडर्ड को। तो वो जितना भी अमाउंट हम लोग प्राइज मनी आता है उसमें हम लोग यूज करते हैं टू अचीव आवर दैट फ्यूचर। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग 12 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाएगा राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, जिसके अंतर्गत फाइलेरिया की दवा वितरण की जाएगी। फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु वाराणसी में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क और हाथों की साफ सफाई का अनुपालन करते हुए समुदाय को फाइलेरिया हाथी पाव रोग से बचाने के लिए शुरू किए जा रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के संबंध में मीडिया की सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने हेतु जनपद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं डॉक्टर निशान, डॉक्टर करण पारेख, श्रीमती सरिता मिश्रा FAR के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया सहयोगियों के साथ आज वाराणसी में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनपद के मीडिया सहभागियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनपद फाइलेरिया, कालाजार आदि रोग के उन्मूलन हेतु अत्यंत संवेदनशील है और इसके लिए रणनीति बनाकर गतिविधियों को संपादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माह जुलाई में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत दिनांक 12 जुलाई से 26 जुलाई तक जनपद में कुल 3,320 टीमें लाभार्थियों को फाइलेरिया निरोधी दवा सेवन कार्य दे दिया गया है। 10 तारीख से 12 तारीख से अनवर्ड जो है ये 12 से लेकर के 26 जुलाई के बीच में ये मेरा कार्यक्रम चलेगा। उसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारी विभिन्न टीमें हैं उनके द्वारा तीन तरह की दवाएँ जो हैं अल्बेंडाजोल एंड डाइथाइल कार्बोमजीन और आइवरमेक्टिन दिया जाएगा। और ये हमारी टीमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस टीमों के ऊपर जो है दो सदस्यीय टीम होगी और उसमें सुपरवाइजर्स भी होते हैं जिनके माध्यम से पूरा कार्यक्रम पूरी कम्युनिटी का 90% करीब इसमें कवरेज किया। कार्यशाला के बढ़ते क्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल डॉक्टर एस कन्नौजिया ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतवर्ष में 2021 तक फाइलेरिया से उन्मूलन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को जारी रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए वाराणसी ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आगामी 12 जुलाई से सभी ग्रामीण शहरी ब्लॉक में शुरू करने का निर्णय लिया है। फाइलेरिया को रोकने के लिए ही ये हमारा IDA प्रोग्राम चल रहा है और इस IDA प्रोग्राम का मेन लक्ष्य यही है कि ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए। साल में अगर ये तीन तरह की जो दवाइयां हमारी चल रही हैं अगर सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाती है तो जो माइक्रोफाइलेरियसिस है,
जो माइक्रो फाइलेरिया है, जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है, मच्छर के काटने से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो है अंदर जाता है, तो अगर एक डोज केवल दवा लेने से इसके ट्रांसमिशन उनकी संख्या इतनी शरीर में कम हो जाती है कि एक दूसरे में जो है नहीं फैल सकती है। इसलिए ये सबको ज़रूरी है अगर हम एक साथ, इसीलिए इसका नाम रखा गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक साथ हम पूरी जो है जो भी पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं, और अगर हम एक बार सभी लोगों को दवा खिला लेते हैं तो वो ये जो है माइक्रोफाइलेरिया हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।